सरदार साहब, हम यहाँ फेडरल और प्रोविजनल मिनिस्ट्री के हिमायत और तावन से और उनके बजट से और अपनी फेडरेशन की माली मदद से यहाँ पर डैम मुकम्मल करेंगे। और इसके लिए ना मैं सिर्फ अपने बाबा मलिक हसन खान के ताल्लुकात को इस्तेमाल करना चाहता हूँ, बल्कि अपने प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के डायरेक्टर से भी ताउन लेना चाहता हूँ। सरदार साहब, ये डैम यहाँ के हज़ारों एकड़ ज़मीन की अराजी के लिए और यहाँ के 40 गांव के पीने के पानी के लिए काफ़ी है। सुना है कि गांव के गंदम में फिर से मिठास भर आने वाली है। बड़े पैसे आ रहे हैं भाई, गांव में डैम बन रहा है कि नहीं? कौन बना रहा है? सरदार संदल खान। और इसमें यकीनन तुम्हें एक बहुत बड़ा हिस्सा मिलेगा। सराफ खान, तुम्हें आने की इजाजत किसने दी? सरदार, जिस शख्स को गांव के 40 मुतबरीन ने और आपके हुक्म ने सिला बदर कर दिया, वो आपकी हवेली में यूं चला आए जैसे ये उसकी जाती जागीर है, ये देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। ए, ये सेमिनार हाल या तुम्हारे गांव की जमीन नहीं है, मेरे अजीज की हवेली है, समझे? और इस हवेली की ऊंचे शान के लिए हमने बड़ी कुर्बानियां दी है। सरदार साहब, इसका मतलब मैं आपसे इंसाफ की उम्मीद न रखूं और जो दिल चाहे वो करूं अपने जोरे बाजू से? सरदार साहब, इस मामले में मैं दोबारा आपके साथ नहीं बैठूंगा और ना ही मैं आपको अपने इस मुदई की जिंदगी की जमानत देता हूं, जो बार बार हमारे सामने आकर हमारे खानदानी गैरत और शराफत का मजाक उड़ाता है। अदागुल, देखो ये वक्त इस तरह बातों करने का नहीं है, आप बैठो, अपना एजेंडा फाइनल करो। यहाँ तो सिर्फ सरदार साहब, मेरे इस मुदई की मौत का ही प्लान किया जा सकता है, मैं देख लूंगा तुझे। अदागुल, चलो यहाँ से, प्लीज प्लीज चलो यहाँ से। देख लिया आज अपने सरदार साहब की ताकत। बूढ़ी हड्डियों में ललकार का जवाब देने की सकत बाकी नहीं रही। अरे अपने अजीज की बेइज्जती पर, चाहे वो ताने में हो या आपके कंबल पर, आपके माथे पर तो शिकन तक नहीं उभरती, और ये सिर्फ इसलिए कि आपके दिल से आपके कौम का वसीला ही खत्म हो गया। सरदार साहब, आज अगर मैं आपकी जगह पे सरदार होता तो इस अदागुल और तहसीलदार को यहां से धक्के मारकर टुड्डे लगाकर इस इलाके से बाहर निकाल देता। धक्के मारने की आदत ने तुम्हें यहां तक पहुंचाया, तुम्हें डैम की तामीर की नहीं, पैसे और कमीशन की लालच खाया जा रहा है। शर्म आती है तुम्हें अपना अजीज जानकर। मेहरबान सरदार संदल खान ने नाफरमानी पर इतना सबर अपने औलाद के लिए भी नहीं किया, इसके सबर को और मत आजमाओ और फिलहाल यहां से चले जाओ। समझो तो तुम्हारे हक में इस वक्त यही बेहतर है। चले जाओ यहां से। सौरभ खान, अमल और नीयत दोनों का बुरा है। ताल्लुकात की बुनियाद पर लोगों से अपने जायज और नाजायज काम निकलवाता है। जंगल की लकड़ी की चोरी, जानवरों का शिकार और इलाके के हुस्न को खराब करने में उसका पूरा हाथ है।
हाँ जी निशाना लो, फायर करो, जल्दी करो, नहीं तो शिकार हाथ से निकल जाएगा। हाँ जी ये क्या किया, ये तो है। हाँ जी मैं तो चला। सोहराब खान वलद मेहराब खान, तुम्हें मलिक खालिक खान को जंगल में शिकार खेलने की इजाजत देने और नतीजे में मलिक हसन खान के बेटे अरसलान खान की मौत के जुर्म में तुम्हें जिला बदर होने का हुक्म दिया जाता है। आज के बाद अगर तुम जिला के हदूद में नजर आए तो मलिक हसन के कबीले के अफराद तुमसे बदला लेने का पूरा पूरा हक रखते हैं। कि शादी के बाद औलाद इतनी खुदसर और नाफरमान हो जाती है तो हम कभी तुम्हारी शादी ना करवाते। क्या बात है माँ, जितना क्यों बरस रही हो? सब घर वालों को जूते की नोक पर रखकर तुम अपनी मर्जी के फैसले किए जा रहे हो। क्या क्या फैसला किया है मैंने? क्या फैसला किया? तुम अपने बाबा के हुक्म के बावजूद रात को घर नहीं आए, शादी शुदा होते हुए भी रात घर से बाहर गुजारते हो और अम्मी हमें बहू के सामने शर्मिंदा करवाते रहते हो। अम्मी मुझे अपना काम करने दीजिए। आखिर ऐसा क्या काम होता है रात को तुम्हारे पास कि आधे घंटे की मुसाफत पर बने अपने घर नहीं आ सकते? गुंजा गुल से गाड़ी निकलवा कर अभी तुम्हारे पास आती हूँ। बोलो इस वक्त तुम कौन? अम्मी आप फरिश्ता को फोन दे जरा। तुम क्या चाहते हो? तुम्हारी लापरवाहियों के किस्से हवेली से निकल कर बदख्वाहों के कानों तक पहुँचे और लोग इलाके में हमारी हवेली की रिवायत का मजाक उड़ाए। अम्मी मैंने आपको कहा फरिश्ता को फोन दीजिए। ये लो बात करो। एक माँ को अपने बेटे के खिलाफ भड़काकर जो सुकून तुम्हारे दिल को पहुंच रहा है उसका एहसास है मुझे, उसका पूरा अंदाजा है मुझे। ये क्या कह रहे हैं आप मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना मुझे, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो मेरी जिंदगी अजाब बनकर रह गई है। खौफ आने लगा है मुझे अपनी जिंदगी से और तुमसे, और इसकी जिम्मेदार सिर्फ तुम हो, तुम। फरिश्ता बच्ची तुम अदागुल की बातों से परेशान ना हो। क्या हुआ, क्या बात है दगुल? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इस खौफ को खत्म करके रहूंगा। जिसने मेरी जिंदगी को अजियत बनाया, अजाब बनाया, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। दगुल बेटा, दगुल मेरी बात सुनो यार। स्टॉप इट, स्टॉप। खबरदार जो तुम लोगों में से कोई मेरे पीछे आया तो, वरना मैं इस पिस्टल से अपने आप को गोली मार लूंगा। क्या हुआ, पागल तो नहीं हो गए तुम? चुप, खामोश। जानता है तू मुझे भी और मेरी जिद को भी। अगर तुम में से कोई भी मेरे पीछे आया ना तो सड़क पर तुम लोगों को मेरी लाश मिलेगी। और शावेस खबरदार जो तूने किसी को फोन किया और किसी को बताया। बेटा शावेस इसको क्या हो गया बेटा? पता नहीं सवाली खान का, पता नहीं क्यों इस तरह जज्बाती हो, पता नहीं क्या हुआ इसे। धूप का सहरा